morning, Pachu. How are you all? I am fine and I hope you are also fine. Okay? तो आज हम चलाएंगे जनरल नॉलेज में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं जीके। तो जीके में आज हम सीखेंगे विंटर के बारे में। विंटर मतलब हमारे जो तीन सीजन होती है, समर, विंटर एंड मॉनसून, ठीक है ना? तो समर और मॉनसून के बारे में बाद में जानेंगे। अभी जो सीजन चल रहा है विंटर का, तो विंटर के बारे में मैं आपको थोड़ा ये बुक के आपको पिक्चर दिखाऊंगी और आपको समझाऊंगी कि विंटर में क्या होता है और विंटर किसे कहते हैं, ठीक है? अभी जो सीजन चल रहा है उसमें आप क्या करते हो, घर पे रहते हो और क्या करते हो, पहने भी क्या पहनते हो, कपड़े गर्म पहनते हो। देखो मैंने भी अभी ये स्वेटर पहना है, दिखता है ना, ये वुलन का स्वेटर पहनते है, स्कार्फ पहनते है, टोपी पहनते है, सॉक्स पहनते है, फिर हैंड ग्लोव्स पहनते है। बहुत सारे हमारे बॉडी को ढकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें विंटर में गर्म कपड़े पहनने होते हैं और गरम गरम क्या करते हैं, सूप पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इतनी ठंडी हो जाती है और ये बाहर का जो माहौल होता है बहुत ठंडा होता है। ठंडे की सीजन में गरम खाते हैं चीज और गरम वॉट यानी कि सूप पीते हैं। सूप पीने से क्या होता है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर अप डाउन रहता है क्योंकि ठंडी चली जाती है और हमें गर्म चीजें खाने की मजा आती है। और फिर देखो विंटर में एक चीज मैं आपको दिखाऊं, देखो बुक के अंदर आप देख सकते हो, ये बुक आपके पास नहीं है, ये ओनली मेरे पास है। ये बुक ओनली आपको ये पिक्चर्स देखने हैं। यहाँ पिक्चर्स ऐसे दिए हैं कि जैसे ये विंटर का है और एक समर का होगा। समर यानी कि गर्मी के दिन, जिस दिन वो आम खाते हो ना वो दिन। तो विंटर और समर और मॉनसून, ये तीन सीजन के यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं। बट हमें क्या करना है, ओनली विंटर सीजन के ही हमें उस पे टिक करना है, ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जाम में लास्ट में पूछा था कि विंटर के सीजन में हम क्या खा सकते हैं, पूछा था ना, तो वही सेम टू सेम यहाँ पे क्या करना है, वो आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है? तो चलो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है, फर्स्ट पिक्चर्स में देखो क्या है, रेनकोट है, अम्ब्रेला है एंड क्या है, शूज है जो रबर के है। तो ये पिक्चर में जो दिए गए है सारे कपड़े यानी कि जो हम वियर्स करते हैं क्लोथ, तो हम ये क्लोथ कब पहनते हैं, मॉनसून में, क्योंकि अम्ब्रेला तो मॉनसून की सीजन में ही यूज होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे टिक नहीं करना है, ठीक है? अब देखो उसके सामने वाले पिक्चर्स में वुलन का स्वेटर, वुलन की कैप, वुलन का हैंड ग्लोव्स एंड मफलर, ये सारे दिए गए हैं चार। तो ये कब काम आते हैं हमारे, इसको कब यूज करते हैं, विंटर के सीजन में यूज करते हैं, जब ठंडी की सीजन होती है, बहुत ठंड लगती है, घर के बाहर भी निकलने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे हम पिक करेंगे विंटर के सीजन का ये सारे क्लोथिस विंटर के सीजन के, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे गरम सूप है और यहाँ पे गरम गरम चाय है। देखो आपको दिखती है ना, यहाँ पे सूप है और यहाँ पे कप में गरम गरम चाय है और उसके सामने सेम यहाँ पे बॉक्स में देखो यहाँ पे क्या लिखा दिया है, आइसक्रीम दिया है, फिर जूस दिया है एंड कैंडी दी है। तो ये विंटर के सीजन में क्या खा सकते हैं, अभी मैंने आपको बोला कि विंटर के सीजन में हम गरम गरम सूप पीते हैं, गरम चाय कॉफी पीनी अच्छी लगती है, बट ठंडा ठंडा खाने को मन नहीं करता है क्योंकि वैसे भी ठंडी होती है और ठंडा हम नहीं खा सकते है। तो यहाँ पे कहाँ टिक करना है, गरम गरम हॉट यानी कि हॉट सूप और हॉट टी के अंदर आपको यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे नहीं। आइसक्रीम खाने का मन तो सभी को करता है लेकिन आइसक्रीम खाने से बाद क्या होगा, हमें सर्दी हो जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो उसके बाद हमें फिर से गरम गरम चाय या सूप पीना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा गरम सूप और टी के
ऊपर क्लिक करना है। चलो अब नेक्स्ट देखो पिक्चर में, देखो यहाँ पे दो बच्चे क्या कर रहे हैं, विंटर के क्लोथेस पहने हुए। देखो ये जैसे पहाड़ी विस्तार में जाते हैं वहां पे बहुत बर्फ पड़ती, जैसे कि कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, शिमला है, वहां पे क्या होता है बहुत बर्फ पड़ती है। तो देखो ये बर्फ से बर्फ के गोले बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। देखो ये दोनों बर्फ के गोले बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हैं ना। हाँ, और देखो उसके सेम पिक्चर सामने यहाँ पे भी एक बच्चा खड़ा है और वो क्या कर रहा है, रेनकोट पहन के बारिश की मजे ले रहा है। क्या ले रहा है, बारिश की मजे ले रहा है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, बर्फ के गोले एक दूसरे पे फेंक के ठंडी का मजा ले रहे हैं। तो यहाँ पे ठंडी के सीजन पे कौन सा पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो विंटर के। यहाँ पे दो बच्चे जो खेल रहे हैं बर्फ के गोले उसपे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विंटर का। अब मैं बोलूंगी आपको कि विंटर के सीजन में कौन से कपड़े पहनने हैं, तो आप मुझे ये बताओगे, जैकेट, स्वेटर, स्कार्फ, कैप, हैंड ग्लोव्स, सॉक्स एंड मफलर, है ना। ये सारे लेडीज और जेंट्स बहुत सारे ऐसे कपड़े गरम यूज कर सकते हैं। शॉल भी आती है गरम, वो भी यूज कर सकते हैं। ठंडी से रक्षण यानी कि उसको बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये गर्म कपड़े यूज करने होते हैं। कभी कभार तो हमारे सोसाइटी के आसपास भी गरम गरम वो लकड़ियां जला के हम उसको उसके आसपास बैठ जाते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत लगती है। तो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ भी हमारे सूं हो जाते हैं। तो ठंडी से रक्षण लेना है तो ऐसा करना पड़ेगा कि गर्म कपड़े पहनो, सुबह गरम चाय या दूध पियो, शाम को या दोपहर को गरम गरम सूप पियो। और क्या करोगे, घर के बाहर निकलना नहीं है ठंडी में। ठीक है, तो ठंडी में हमें इतना जाना कि आइसक्रीम भी नहीं खाना है, और आप छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, मम्मी के या पापा के पास जाओ तो आइसक्रीम नहीं खाना है, घर पे रहना है, गर्म कपड़े पहने। ज्यादातर मैं देखती हूँ छोटे बच्चे गर्म कपड़े या स्वेटर नहीं पहनते हैं, पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि बच्चा पहनता नहीं है। तो आप लोगों को ठंडी से प्रोटेक्ट करने के लिए मम्मी पापा बोल रहे हैं, तो आपको गर्म कपड़े पहनने हैं। और क्या करना है, उसको ठंडी से हमें बचाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर ये विंटर के कपड़े जो मैंने बोले कि गर्म कपड़े पहनने हैं, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि गर्म कपड़े कहाँ से आते हैं। तो शिप होता है, शिप के ऊपर से जो हेयर होते हैं उसको निकाल दिए जाते हैं और उसको मशीन से उसको पूरा उसका ऊन यानी कि वुलन बनता है, तो उसका धागा बनता है पूरा एक एक करके, और वो धागे से वो स्वेटर, जैकेट, स्कार्फ, मफलर, टोपी वो सब बन जाते हैं। वो शीप हमारे लिए बहुत ही यूजफुल एनिमल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वुलन कहाँ से आता है। ठीक है, तो शीप के ऊपर से, ऊपर की बॉडी से ये वुलन मिलता है। ओके, तो आप लोग घर पे बैठे ये विंटर के सीजन का जो मैंने अभी तक सिखाया वो आपको याद रखना है। याद नहीं रहता है तो मेरा वीडियो फिर से दोबारा देखो। ठीक है, और ठंडी के माहौल में क्या करना है, घर में पंखे नहीं चलाने हैं, एसी नहीं चलाना है। ज्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं कि घर पे भी ऐसी जिद करते हैं कि पंखा चलाओ, आपको गर्मी लगती है लेकिन बॉडी के अंदर इतनी गर्मी नहीं होती है। ठीक है, तो पंखा और एसी को अभी बंद करो और घर बॉडी को प्रोटेक्ट करो और घर पे रहो। ठीक है, ओके,